जसप्रीत बुमराह मुंबई। ये आपको लग रहा होगा कि ये कुछ महल वगैरह है। गाइस मुंबई सेंट्रल और फैमिली जो है मोस्टली बच्चे के साथ ही होते हैं। ये बैंक के जस्ट अपोजिट आपको हैंगिंग गार्डन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज जो मैं आपको दो दिन पहले मैंने आपको चरनी रोड और मरीन ड्राइव का जो व्यू दिखाया था जो कि इंडिया विक्ट्री परेड था, आज मैं सेम प्लेस पे मैं जा रहा हूँ। सेम प्लेस पे जाने का वजह ये है क्योंकि अभी कमिंग जो फेस्टिवल आने वाला गिरगांव चौपाटी है। गिरगांव चौपाटी में ज़्यादातर जैसे लाल बाग हो गया, चिंतामणि हो गया, ये सब सारे जो है ना वहाँ पे ही विसर्जन होते हैं। तो आपको मैं स्पॉट्स वो दिखाना चाहता हूँ। गिरगांव चौपाटी तो आप लोग नहीं जाते हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग मरीन ड्राइव जाते हैं। मरीन ड्राइव ही एक जो मतलब शाम का टाइम का है ना, अभी यहाँ पे 7 बजने वाले हैं, हम जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं और ये बारिश का मौसम है थोड़ा यार, तो भीग गया, स्लिप करने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्के स्लो में चला हूँ। ये इस तरह से अगर भागने का होता ना तो गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे यार, अपना वही नॉर्मल जो ट्रेन लेते हैं चर्चगेट वाली। हाँ गाइज, अपनी ट्रेन आ गई है, 6:55 हो चुका है, ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं। सो मैं अभी जस्ट स्लो ट्रेन चर्चगेट वाली में पकड़ लिया हूँ, और जो कि भीड़ नहीं था, मुझे सीट मिल गई है, माइंड सही। इवनिंग का टाइम था, 7 बजने हैं और मैं जो जा रहा हूँ गिरगांव चौपाटी। सो गाइज, लोअर पेल से अभी ट्रेन खुली है। एक्चुअली वहाँ पे भीड़ था तो मैं नहीं आ पाया था क्योंकि अभी यहाँ पे भीड़ खाली हो गई है, क्योंकि इसलिए अभी मैं थोड़ा सा गेट साइड भी मैं आ चुका हूँ। थोड़ा सा बाहर का जो मौसम है यार, बहुत ही मतलब सुहाना मौसम है। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है अभी बिल्डिंग में, ये तो मैं वडाला वाला जो मैं एक वीडियो देखा यार, बहुत दर्दनाक था, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 माले की बिल्डिंग में जो अचानक से ढह गया था, मैं वो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन अगर वो क्लिप नहीं अगर ऑथराइज रहा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन ये ऐसे ऐसे जो बिल्डिंग्स है जो कंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं ना, बहुत ही इंजीनियरों से थोड़ा सा एक कॉन्टेक्ट करके ही बनाए ताकि इस तरह की वो चीज़ें जो हो रहा है वो ना हो। तो ये बड़ी इमारत जो मैं दिखा रहा हूँ, ये महालक्ष्मी के बीच से, और ये मैं आपको 0.5x से मैं दिखा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस इमारत में यानी सबसे बड़ा जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और बाद में जो कॉमर्शियल है, दोनों मर्ज होकर के यहाँ पे जो बनती हैं वो ये एरिया, ये जो आपको मैं डंपिंग यार्ड है। गाइज, मुंबई सेंट्रल ट्रेन आने वाली है, और ये मैं आपको बैक वाला जो मैं दिखाना चाहता हूँ, व्यू जो है ना, जो टर्निंग होती है ना, बहुत ही खूबसूरत टर्निंग पॉइंट होता है यहाँ। ये दो ट्रेनों के बीच का डिस्टेंस और ये टर्निंग का जो है आपको दिख रहा होगा, ये लाइटें जो लगी हुई है ये एक्सप्रेस ट्रेन के लिए है जो कि मुंबई सेंट्रल से निकलती है। ज़्यादातर गुजरात, न्यू दिल्ली, इधर इंदौर, इधर से के लिए ज़्यादातर ट्रेन निकलती है। मुंबई सेंट्रल की जो गेट आती है वो आती है राइट हैंड साइड, वो काका देख रहे हो खड़े हैं। सेंट्रल में ये सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और मुंबई सेंट्रल का ये गेट जो वहाँ सामने वाली ब्रिज से आती है, ये मुंबई सेंट्रल का ऑफिस है जहाँ पे टिकट आप ले सकते हैं। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं लोकल वाले स्टेशन पे हूँ, बट वो जो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए यहाँ पे जो लगी हुई है इंडियन रेलवे करके, वो एक्सप्रेस ट्रेन के वो जाली लगे, वो जाली को इस साइड वाले है लोकल ट्रेन, उस साइड वाले एक्सप्रेस ट्रेन जो बाहर के लिए ट्रेन मिलती है। अपनी ट्रेन ग्रांड रोड से खुली है जो अब चरनी रोड है, चरनी रोड पे ही मैं उतरूंगा यहाँ पे।
चरनी रोड से मैं आपको गिरगांव चौपाटी तक मैं लेकर के जाऊंगा, क्योंकि नज़दीक में आपका जो है चरनी रोड से ही सबसे नज़दीक रोड और ग्रैंड रोड के बीच वाला जो है ना टर्निंग पॉइंट, ये भी बहुत खूबसूरत है। मुझे फील आता है जैसे वो ब्रिज के अंदर क्रॉस करता है। तो ये थोड़ा लॉन्ग है टर्निंग, अभी यहाँ से थोड़ी फास्ट हो गई ट्रिप, फिर से एक ब्रिज आ रही है, वहाँ पे भी एक टर्निंग हुआ जाता है। यहाँ से स्टार्ट हो गई है यार लाइट डार्क, अब फिर से लाइट, ये अब ट्रेन आ गई, ट्रेन मतलब टर्निंग पॉइंट दिखेगी नहीं। आज मैं ये चरनी रोड में उतर गया हूँ, यहाँ से मैं हॉस्पिटल का व्यू दिखा रहा हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं चरनी रोड उतर गया हूँ क्योंकि यहाँ से गिरगांव चौपाटी नज़दीक पड़ता है, गिरगांव चौपाटी बैक साइड हमको जाना पड़ेगा वहाँ पे। ये जगह, ये मैं आपको, ये आपको लग रहा होगा कि ये कुछ महल वगैरह है, नहीं लेकिन ये हॉस्पिटल है जो कि बोरी के बोरी लोग ने बनाया हुआ है। और ये मैं बाहर से भी एक बार इसकी एक अलग से मैं वीडियो बना लूँगा, बट ये अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ गेट गिरगांव चौपाटी के बाहर। गाइस चरनी रोड में उतर करके आपको एकदम बैक वाला साइड एरिया से आप निकल सकते हैं। ये एरिया देख रहे हो आप, पीछे के गली से एक रास्ता निकल गया, ये आपको नज़दीक गिरगांव चौपाटी तक लेके जाएगा। ये आपको हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल के जस्ट सामने से ही वाला ये रास्ता निकला, ये गली आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये आपको गिरगांव चौपाटी तक लेके जा सकता है। गाइस जैसे ही चरनी रोड से बाहर आप निकलते हुए, एक सबसे बड़ा होर्डिंग लगा हुआ रहेगा। मोस्टली मैं यहाँ होर्डिंग देखता हूँ तो वो आईफोन का वाला यहाँ होर्डिंग लगा हुआ रहता है। आईफोन वाला होर्डिंग के सामने यहाँ पे सिग्नल है, इस सिग्नल से आपको क्या करना है, क्रॉस हो लेना, यानी जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे लगा हुआ है। ये सीधा सीधा मरीन ड्राइव के लिए जाती है। जो वो नज़ारा था मरीन ड्राइव का वो देखने वाला था। आज जो है थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस पहले से तैनात, यहाँ पे सिग्नल लगी है जेब्रा क्रॉसिंग, मुझे भी क्रॉस कर लेना चाहिए। यस जेब्रा क्रॉसिंग लगी है तो यहाँ से हम लोग क्रॉस कर ले रहे हैं। ये गाइस एयर वाला जो आपको दिख रहा है जो कि आईफोन वाला होर्डिंग, और ये विन और विन ऑन एयर, पता नहीं आई थिंक ये एडिडास वाला है, नाइकी का ही। गाइस मैं चौपाटी में पहुंच गया हूँ, गिरगांव चौपाटी, जो कि गिरगांव यहाँ पे न्यू इंडिया एश्योरेंस का एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड से यहाँ पे जस्ट गेट है, पूरा ओपन गेट है। ये सारे फूड स्टॉल है, जय जवान स्टॉल। ये एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली वाले आते हैं, फैमिली वाले कपल्स आते हैं, और इसके जो जस्ट बिहाइंड जूता घर है और हैंगिंग गार्डन है, जिसके वजह से और लोग यहाँ पे आते हैं। हैंगिंग गार्डन एंजॉय करने के लिए आपको मैं रास्ता में बता सकता हूँ, बट वो इंड वाले पॉइंट में मैं जाकर के मैं बता दूंगा कि वहाँ से आप जा सकते हैं हैंगिंग गार्डन और जूता घर, जो कि सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मैं अभी बीच साइड किनारे जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो सारे तरफ से बैठे हुए हैं कपल्स और बाकी सारे फैमिली होते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो आते हैं यहाँ पे फैमिली आते हैं यहाँ पे एज ए पिकनिक स्पॉट के जैसा। और इधर पे आप देख रहे हो ना कि पूरा का पूरा ये लगा, आप वहाँ पे लेकर फूड स्टॉल के जैसा आप आ सकते हैं, आ करके खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं इस तरह से। गाइस मैंने बताया था ना यार, इतने अच्छे मौसम जो यार लगता है नींद आ जाएगा, मुझे भी लेके आना चाहिए मैट, यहाँ पे मैट लेकर के आकर के बीच साइड इंजॉय करते हैं, यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं। ये सारे देख रहे हो कितने सारे फैमिली से आए हुए हैं, और फैमिली जो होते हैं मोस्टली बच्चे के साथ ही होते हैं, यहाँ पर सारा ज़्यादातर लोग भी आए हुए हैं ना वो सब का सब फैमिली के साथ हैं। और ये सारे ये बीच पूरा वो मरीन लाइन का वो पूरा वो चीज़ मैं दिखा पा रहा हूँ जहाँ तक आपको दिख पा रहा है। और ये आपको DBS बैंक दिख रहा है, DBS बैंक आपको थोड़ा जूम इन करके लेता हूँ, यहाँ पर आपको DBS बैंक दिख रहा होगा। DBS बैंक के जस्ट अपोजिट आपका हैंगिंग गार्डन जिसको हम लोग जूता घर कहते हैं। ये फिलहाल के लिए हम यहाँ पर नज़ारा करते हैं, ये मरीन ड्राइव बीच साइड वाला वो सारे लाइट्स जो दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो सारे लाइट्स दिख रहे हैं, ये सारा का कल का जो नज़ारा है आपको मैं वीडियो एक क्लिप डालता हूँ जो कि फैन मोमेंट था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जितने सारे ऋषभ पंत, सब सारे के सारे प्लेयर्स वहाँ पे मौजूद थे यार। जो मोमेंट दिख रहा था, जो क्राउड दिख रहा था, वो अलग ही मोमेंट था। ये आप क्राउड आप इंजॉय कर रहे हो और देख रहे हो इस तरह से। Oh,
ये आप इसको बोलते हैं गिरगांव चौघाटी। ज़्यादातर यहाँ पे जो विसर्जन होते हैं वो गणपति वाले जो आते हैं वहाँ पे, यहाँ पे विसर्जन होते हैं बड़े बड़े। यहाँ गणपति विसर्जन के लिए आपको 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले नहीं, 1 दिन पहले, यानी रात को वो चलता है तो सुबह तक वो पहुँच पाती है विसर्जन के लिए। तो यही मोमेंट है यार, मैं भी थोड़ा सा इन्जॉय कर लेता हूँ यार, देख लेता हूँ, थोड़ा क्लोज शॉट्स मैं लेता हूँ। ओह क्या मौसम है यार, सुकून का, नींद तो इतनी अच्छी आ रही है मत पूछो। मैं थोड़ा यहाँ पे जो मोमेंट देख रहा हूँ, चारों तरफ जो फैमिली है, फैमिली किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं आपको मैं आपको इधर से भी दिखाती हूँ, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से फैमिली का जो मोमेंटम है, मोमेंटम जिसको कहते हैं, जो इंजॉय कर रहे हैं, जो लोग पीसफुल मोमेंट है यार, सुकून इतना अच्छा है यार। गाइस ये गिरगांव चौपाटी आने के लिए ये मैंने रास्ता बताया था कि कैसे आप आ सकते हैं। आप वेस्टर्न लाइन की ट्रेन पकड़ सकते हो, वहाँ से चरनी रोड उतर के, चरनी रोड उतर करके आपको जो बैक्स वाले रास्ता से है उतर करके आपको सिग्नल क्रॉस करके आपको बस वॉकिंग 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपका गिरगांव चौपाटी जहाँ पे सारे विसर्जन होते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।